नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे सचिवालय में होगी बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव आएंगे सामने। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, फैसलों पर लगेगी मुहर। धामी कैबिनेट की बैठक आज, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव आएंगे सामने। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा, फैसलों पर लगेगी मुहर। शाम 5 बजे सचिवालय में होगी बैठक। धामी कैबिनेट की बैठक की तैयारी। शाम 5 बजे सचिवालय में होगी बैठक। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन और ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव आएंगे सामने। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, फैसलों पर लगाई जाएगी मुहर। इसके बाद अगली खबर भी देहरादून से है। धामी सरकार का बड़ा फेरबदल, 3 IAS और 6 PCS अधिकारियों का हुआ तबादला। एक सचिवालय सेवा के अधिकारी का भी तबादला। IAS हरीशचंद सेमवाल से सचिव मानव अधिकार आयोग हटाया गया। IAS दीपेंद्र चौधरी को सचिव मानव अधिकार आयोग बनाया गया। IAS आशीष भटगई को निदेशक प्रशासन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी। वहीं सचिवालय सेवा के अंतर से अपर सचिव गृह हटाया गया। PCS नसीर को संयुक्त निदेशक RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल बनाया गया। CS पंकज उपाध्याय को सचिव जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार। देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। धामी सरकार का बड़ा फेरबदल, तबादलों को लेकर अहम जानकारी। उधम सिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। PCS दिनेश प्रताप सिंह को प्रधान प्रबंधक चीनी मिल नादेड़ी का अतिरिक्त प्रभार। एक सचिवालय सेवा के अधिकारी का हुआ तबादला। CS विश्वनाथ को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार से हटाकर सचिव जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल और MD बनाया गया। IAS हरीशचंद सेमवाल से सचिव मानव अधिकार आयोग हटाया गया। दीपेंद्र चौधरी को सचिव मानव अधिकार आयोग की जिम्मेदारी। IAS आशीष भटगई को कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। सचिवालय सेवा के अतर सिंह से अपर सचिव गृह लिया गया। अगली खबर भी देहरादून से, जहां आने वाले समय में उत्तराखंड को देश दुनिया का वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का जो संकल्प लिया गया था, उस दिशा में कदम बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। सीएम धामी ने वेडिंग प्लानर के साथ बातचीत के दौरान मिले सुझावों का स्वागत करते हुए जल्द ही उन सुझावों पर अमल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने डेस्टिनेशन वेडिंग पार्क उत्तरी भारत के प्रमुख वेडिंग प्लानर के साथ वर्चुअल बैठक भी की, जिसमें उत्तर भारत के 75 से अधिक प्रमुख वेडिंग प्लानर शामिल थे। तो 75 से अधिक वेडिंग प्लानर के साथ मुख्यमंत्री की हुई वर्चुअल बैठक। सबसे अलग वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने को लेकर मुख्यमंत्री और धामी सरकार की कवायद शुरू। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से उत्तराखंड को प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने को लेकर सरकार की तरफ से पहल की शुरुआत कर दी गई है, 75 वेडिंग प्लानर्स के साथ वर्चुअल बैठक हुई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंडस्ट्रियल समिट के दौरान कहा था कि उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान बना सकता है, तो उसको लेकर नए काम करने की ज़रूरत है। धामी सरकार ने उस दिशा में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेडिंग प्लानरों के साथ एक बैठक यहाँ पर की थी वर्चुअली रूप से। इस बैठक में देश भर के विभिन्न राज्यों से 75 बड़े वेडिंग प्लानर यहाँ पर जुड़े हुए थे और सबकी कोशिश यही थी कि राज्य में किस प्रकार से वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर काम किया जा सकता है। वेडिंग डेस्टिनेशन के माध्यम से उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड की जो आबोहवा है, उसको किस प्रकार से नई पहचान दिलाई जा सकती है, कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं ताकि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है और मजबूत यहाँ पर हो सके, उसको लेकर अपने अपने सुझाव इस वर्चुअल बैठक में देने का काम किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी ये कह सकते हैं वेडिंग प्लानर्स से बातचीत यहाँ पर की थी। जो उनके सुझाव है
उन सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने का आश्वासन भी दिया और कहा कि जो विभागीय जो अधिकारी होंगे वो इस वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर जो अलग से डेस्टिनेशन बनाने की जो बात हो रही है उसको लेकर यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्यता को लेकर पूरे दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के जो तीर्थाटन है, पर्यटन है, वो अपने अंदर एक अनूठी संस्कृति और एक प्राचीन जो संस्कृति है उसको छिपाई बैठे हैं, तो ऐसे में वो सब बाहर आ सके, लोगों के लिए नया डेस्टिनेशन उत्तराखंड यहाँ पर बन सके, उसको लेकर यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो सुझाव वेडिंग प्लानरों की तरफ से दिए गए उसको लेकर भी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार उस पर काम करेगी ताकि आने वाले दिनों में उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में जाना जा सके। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशनों के आने से जो राज्य की जो आर्थिकी है और मजबूत यहाँ पर हो सके और यहाँ की जनता को उसका लाभ यहाँ पर मिल सके, ऐसे प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तमाम वेडिंग प्लानर्स से बातचीत की है, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आएगा? और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में यदि बात की जाए तो कौन कौन से प्रमुख जिले और वो इलाके हो सकते हैं जहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर आगे कवायद शुरू की जाएगी? देखिए, उत्तराखंड में ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का जो हर डेस्टिनेशन है जिसको डेवलप करने की इस समय आवश्यकता है, खासतौर पर पर्यटन के लिहाज से जो राज्य सरकार काम कर रही है उसी में वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में भी इस राज्य को और डेवलप करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार लगातार अपनी नीतियां यहां पर बना रही है और वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर भी लगातार काम करने को लेकर पर्यटन विभाग के लिए कहा जा रहा है, ताकि यहां पर चाहे आपका चमोली का औली हो या फिर उत्तरकाशी के जो बुग्याल है या फिर पिथौरागढ़ या चमोली के दूसरे जनपदों के जो बुग्याल है, रुद्रप्रयाग का जो बुग्याल है, अगर वो भी वेडिंग के रूप में अगर उनका भी यहाँ पर ख्याति मिल पाती है, वहाँ पर भी उन सब चीज़ों की सुविधाएं दे पाती है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड भी वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में एक नया हब के रूप में विकसित होगा और यहाँ की जो आर्थिकी है यानी अभी तक जो पर्यटन को लेकर जो जुड़ी हुई थी वो दूसरे माध्यमों से भी और मजबूत होना शुरू हो जाएगी और उत्तराखंड की जनता को उसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार प्रयासरत है और आने वाले दिनों में इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे और राज्य की जनता को उसका सीधा लाभ भी यहां पर मिलेगा। जी बिल्कुल अभय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, देहरादून से अगली खबर है, उत्तराखंड के पांचों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित, बीजेपी ने पांचों प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी को मिला टिकट, हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रत्याशी घोषित, टिहरी लोकसभा सीट से माला राज लक्ष्मी शाह को टिकट, वहीं अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा का नाम पहले ही चुन लिया गया था, नैनीताल सीट से अजय भट्ट बने पार्टी के प्रत्याशी। कांग्रेस ने तीन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, पौड़ी गढ़वाल से गणेश गोदियाल, टिहरी से ज्योत सिंह गुनसौला और अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित किए गए। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। तो बीजेपी ने जहां पांचों सीटों पर प्रत्याशियों को उतार दिया है, नामों का ऐलान हो चुका है, दूसरी लिस्ट में दो बची सीटों का ऐलान हो चुका है, वहीं कांग्रेस की तरफ से तीन प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी भी कांग्रेस में पेंच फंसा हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अभय कैतुरा संवाददाता देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। जी अवनीश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, जिस तरह से बीजेपी की पांचों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है लेकिन कांग्रेस की दो सीटें अभी भी फंसी हुई हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या समस्या आ रही है, क्या प्रत्याशियों के नामों को लेकर कश्मकश या मंथन जारी है या कोई और वजह है? देखिए पिछले साल आपने चिंता दोनों सीटें यानी कि हरिद्वार नैनीताल सीट को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर नैनीताल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी तीन नाम फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो नैनीताल के पूर्व सांसद हैं महेंद्र पाल, वो भी इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जो रंजीत रावत है, रामनगर के पूर्व विधायक रहे हैं सल्ट के, वो भी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उनकी भी इस सीट पर दावेदारी, तो फिलहाल तीन नाम
परिणाम सामने हैं, तीनों में से किसका फाइनल होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस सीट पर भी काफी रस्साकसी है सीट को पाने के लिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, हरिद्वार सीट की बात करूं तो वहां से हरीश रावत भी सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है, लेकिन वो अपने बेटे के पेट भी वहां पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी हरीश रावत के बेटे का ही नाम सामने आया था, और ये संभावना है कि यहाँ पर वीरेंद्र रावत ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि और कोई उम्मीदवार फिलहाल वहां दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरह अपने पांचों कैंडिडेट उतार दिए हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास अभी भी दिक्कत है दो सीटों को लेकर, और वो कैंडिडेट अभी तय नहीं कर पा रही है। जी जी बिल्कुल, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से अभी भी पेच फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम पांचों प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, कई लोगों का नाम यहां पर फंसा हुआ था, जो पांचों प्रत्याशी हैं उनको लेकर कितने आश्वस्त है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और कितना उत्साह है? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसी लोकसभा सीट के रहने वाले हैं, हालांकि उनका वो रहने वाले पूरी के हैं, लेकिन हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में ही उनका घर आता है, और वो लगातार संपर्क में भी रहे हैं, लोगों के विधायक भी रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल सामने नहीं आ रही। अगर हम अनिल बलूनी की बात करें, अनिल बलूनी बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता वो रहे हैं, अभी भी हैं, और इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद रहे हैं, पूरी के रहने वाले हैं, युवा चेहरा है, तो उनको भी बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका मुकाबला गणेश गोदियाल से है, गणेश गोदियाल लगातार जिले में संपर्क में रहते हैं, वहां से विधायक हो रहे हैं, तो कड़ी टक्कर इस सीट पर होगी। अगर हम टिहरी की बात करूं तो वहां पर बीजेपी की राज्यलक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाया है, वो भी मजबूत कैंडिडेट है। अगर हम बात करें तो एक पूरी सीट ऐसी है जिस पर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला होने की उम्मीद है। नहीं, इतना जरूर है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे उसमें दो हरिद्वार और बात की जाए पूरी सीट यही सीट बदली है, बाकी तीनों कैंडिडेट उनके पुराने हैं और बहुत सोच समझ कर ये रणनीति के तहत उनको उतारा गया है। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ अभय भी लगातार बने हुए। अभय, जिस तरह से अवनीश जी यहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि बहुत सोच समझकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है, लेकिन तीन लोगों के नाम पहले ही घोषित किए जा चुके थे, दो लोगों पर काफी मंथन के बाद चुनाव किया गया है, और जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की बात करें, हालांकि सेफ सीट इसे माना जा रहा है, पांचों सीटों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कौन सी सीट होगी जो सबसे ज्यादा अधिक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? देखिए, जिन तीन सीटों पर बीजेपी की तरफ से पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को चुनाव मैदान में उतारा गया था, पूर्व में भी वो वहां से तीन बार सांसद लगातार रह चुकी हैं, इस बार भी उनको वापस रिपीट करने का काम यहां पर किया गया है, उन्हें सांसद का प्रत्याशी यहां पर बनाया गया। इसके अलावा अल्मोड़ा सीट पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा को यहाँ पर मौका दिया गया, वो पूर्व में भी वहाँ से दो बार सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर उन्हें इस बार चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा गया। इसके अलावा नैनीताल सीट पर जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया, पूर्व में वहाँ से सांसद थे और लगातार वहाँ के जो विभिन्न जो विकास की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को लेकर केंद्र में सक्रिय थे और वहाँ पर विकास काम को लगातार कराने का काम कर रहे थे। ये वो तीन चेहरे थे जिन्हें सबसे पहले पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारने का काम यहाँ पर किया था। तीनों ही सेफ सीट थे, बीजेपी को उम्मीद है कि ये सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में यहाँ पर आएगी और बड़े मतों से पार्टी यहाँ पर जीतेगी। लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट, यहाँ पर शुरू से ही इंडिया वाइज ये कह रहा था कि इस बार पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन में कुछ परिवर्तन यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ नए चेहरों को यहाँ पर मौका दे सकती है, और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार से सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उन दोनों का टिकट काटने का काम यहाँ पर किया था। और एक बार उस जगह पर पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले हैं और उत्तराखंड की जिस तरीके से वो पुरजोर पैरवी केंद्र में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, उसका लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए था, और उन्होंने नए चेहरे के रूप में उन्हें पौड़ी गढ़वाल से उतारने का काम यहाँ पर करा है। हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नए चेहरे के रूप में इस बार सांसद टिकट दिया, तो ये समझा जा सकता है दोनों ही हॉट सीट है, दोनों ही सीटों पर जो चुनावी मुकाबला होगा काफ़ी कड़ा यहाँ पर हो सकता है, तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए चाहे पौड़ी की सीट हो या हरिद्वार की सीट हो, आसान सीट नहीं कही जा सकती, क्योंकि दोनों ही सीटों पर जो समीकरण है वो समीकरण काफ़ी इस समय अलग थलग नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण कही जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति अभी तक चुनाव की लेकर रही है उसमें बीजेपी अन्य दलों से दो कदम आगे नजर आ रही है, जीत को लेकर आश्वस्त तो हो सकते हैं लेकिन मार्जिन कम जरूर यहाँ पर हो सकता है। जी
जी बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश जी भी लगातार बने हुए हैं। अवनीश जी, उत्तराखंड की यदि बात करें तो जिस तरह से राज्य में भी दोबारा सरकार आई है और लंबे समय से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के काबिज रहे हैं 5 सीटों पर, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए या फिर विकास के आधार पर जो रिजल्ट जनता के सामने आया है, जो रिपोर्ट कार्ड आया उसके आधार पर यदि बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव क्या आसान रहने वाला है या चुनौती इस बार बड़ी है? देखिए, अगर हम बात करें 500 सीटों की, तो उसमें जो बड़ी बात है वो पूरी संसदीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है और यही पर कांटे की टक्कर होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि लगातार गणेश गोरियाल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस सीट पर सक्रिय रहे हैं, लगातार संपर्क वो करते रहे हैं, बहुत शालीन और सभ्य उनको माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनके लिए फायदे का सौदा हुआ। जहां तक हम अनिल बलूनी की बात करें, अनिल बलूनी अभी तक राष्ट्रीय राजनीति में थे, पूरी मीडिया को वो देखते थे, राज्यसभा सांसद भी थे, लेकिन क्षेत्र के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी नहीं रही। अब देखने वाली बात होगी जनता इसको किस ढंग से लेती है, लेकिन इतना जरूर है कि 500 सीटों में अगर हम बात करें तो सबसे जो कड़ा मुकाबला है वो पूरी संसदीय सीट पर है। और जैसा कि 500 सीटों का विश्लेषण यहाँ पर हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया अभय ने, तो उसी हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण है 500 सीटें हैं और अब तक के जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अभी प्रचार शुरू होगा, बहुत सारी चीजें जनसभाएं होंगी, क्या क्या एजेंडा है प्रत्याशियों का वो सब सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है अभी की बात करें तो 500 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अवनीश जी, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड की बची 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी चुनावी मैदान में होंगे। वहीं प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। सबसे हॉट सीट बनी हुई हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बची हुई 2 सीटें थी पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारा। बातचीत करने से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, सर आज पार्टी ने आखिरकार चुनाव मैदान कर उतारने में आप भी उन चीजों की तैयारी कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं सर आज पार्टी ने जो भरोसा दिया? मैं पहले तो आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तमाम जो हमारा लीडर है प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पर पुनः भरोसा जताया है और मेरी तो खुशी है ही, लेकिन राज्य के तमाम हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे और उनकी चाहत पूरी हुई है, उनकी शुभकामनाएं, उनका साथ लगातार मुझे इन 2-2.5 सालों में मिलता रहा है, मेरे साथ खड़े रहे, उनकी उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद और जो युवा है उनका साथ, मैं उन सबका भी आज धन्यवाद करता हूँ। डबल इंजन की सरकार तो रही है, कार्यकर्ताओं या फिर दूसरे लोगों से क्या कुछ कहेंगे ताकि एक बार फिर वो बड़ी जीत हासिल हो सके? देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है एक विकसित भारत का, और उन्होंने ये कहा है कि मैं देश के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप विकसित भारत के लिए जो हमारा संकल्प है उसमें हमको सहयोग करें, अपना आशीर्वाद वोट में हमको दें। तो आज मैं तमाम मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि तमाम आपकी भावनाएं, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, या देश के विकास की जो गति है, जिस गति से इन दौरान इन 10 वर्षों में विकास हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर आप वोट दीजिए और देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में अपना योगदान करें। पांचों सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में, क्या कुछ कहें जीत को लेकर, कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत है? देखो, जीत के लिए तो हम पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म में लगातार यहाँ से 5 लोकसभा सीट जीती है और इस बार हैट्रिक होगी,
पहले से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी पर जीत कराने वाले। बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि मोदी जी का जो सपना है, पीएम का जो सपना है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पांचों सीटों पर इस बार बीजेपी जीत के साथ अपनी चुनावी क्षति पूरी करेगी। कैमरामैन निशांत चौहान साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है, उत्तराखंड परिवहन निगम ने बड़ी राहत, राज्य आंदोलनकारियों के लिए किराए में बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश के भूभाग का किराया ना लेने के निर्देश जारी। रोडवेज बसों में यात्रा करने पर नहीं लगेगा किराया, रोडवेज बसों में यात्रा करने पर नहीं लगेगा किराया, यूपी जाने का किराया ना लेने के आदेश जारी। यूपी जाने का किराया ना लेने के आदेश जारी, विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के भूभाग का किराया ना लेने के निर्देश जारी। तो इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रोडवेज बसों में यात्रा करने पर नहीं लगेगा किराया। चारधाम यात्रा मई के महीने में शुरू होने वाली है। वहीं यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों से आने जाने वालों के लिए खुशखबरी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बसे उत्तराखंड में यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने वाले लोगों को परेशानी रहती है कि कहीं उनकी गाड़ी चार्जिंग स्टेशन ना मिल पाने के चलते रास्ते में ही बंद ना हो जाए, जिसके चलते राज्य सरकार एक अलग योजना के तहत काम करने जा रही है। इस यात्रा में आरटीओ चारधाम यात्रा रूट पर गाड़ियों को चार्ज करने के लिए 28 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। ये चार्जिंग स्टेशन 30 किलोमीटर के दायरे में लगाए जाएंगे। इन चार्जिंग स्टेशन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल के विकास निगम को दी गई है, जिससे गढ़वाल मंडल विकास निगम में रहने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के संचालन को भी बढ़ावा मिलेगा। इन स्टेशन पर एक साथ 3 गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा और चार्जिंग स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही यात्री ऐप के जरिए अपने लिए चार्जिंग स्टेशन को बुक करवा सकेंगे। यूसीसी के कानून पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद बीजेपी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना निजी एजेंडा पूरा करने में लगी हुई है, जिसे लागू करने के लिए विपक्ष से चर्चा नहीं की गई। अब यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू होने वाला पहला राज्य बन चुका है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और निश्चित रूप से उसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत होने थे, वो हो गए हैं। अब सरकार लागू करे, उसको रोका किसने, उन्होंने पास करा है तो लागू भी करें और जो सरकार की इच्छा है वो अपनी इच्छा की पूर्ति भी करें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है। उनकी पार्टी बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है और अगर वो लागू कर रही है, आज दस्तखत हो गए हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड में लागू करेंगे और उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।